कोटे के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट स्थित खेल मैदान के बाहर खड़ी तीन बाइक में शरारती तत्वों ने सुबह आग लगा दी। तीनों बाइक जलकर राख हो गई। घटना के बाद से आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है। दरअसल मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के रेलवे इंस्टीट्यूट कॉलोनी में मैदान में आसपास के लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और फुटबॉल क्रिकेट खेलने आते हैं। आज सुबह भी कुछ लोग रेलवे मैदान के गेट पर बाइक खड़ी कर मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान किसी शरारती तत्व ने गेट पर खड़ी तीन बाइकों में आग लगा दी। सुबह कोहरा था, कोई देख नहीं पाया कि आग किसने लगाई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और तीनों बाइक धू धू कर जलने लगी। मैदान में फुटबॉल खेल रहे लोग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान मौके पर इकट्ठा लोग आग बुझाने में जुट गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। प्रैक्टिस करते हैं बराबर, उसी तरह आज हम लोग आए हैं, गाड़ी खड़ा किया है और गाड़ी खड़ा करने के बाद हम लोग जो है चले गए ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलने। उसके बाद आधे घंटे बाद यानी 7 बजे सूचना अंदर जो है कुछ लोगों द्वारा मिलती है कि गाड़ी में आग लग गई है। हम लोग आके देखते हैं तो गेट पे जो है गाड़ी जल रही थी धू धू कर। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और स्थानीय लोगों से और क्लब के जो है उस पर जो है पहलवान हैं जो प्रैक्टिस करते हैं रेलवे के, उनके सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया है और अगल बगल जो है माचिस भी भरी हुई प्राप्त हुई है। सूचना पुलिस को दे दी गई थी, पुलिस के द्वारा भी जो है मौखिक तौर पर दी गई है। पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया जो उन्होंने भी स्थलीय निरीक्षण किया है। क्या लगता है कैसे आग लगी होगी? ये आग जो है किसी के रंजिशवश लगाई गई है या शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई है, अब ये जांच का सब्जेक्ट है, पुलिस इसकी जांच करे। और हालांकि पुलिस जब तक पहुंची आग लगभग शांत हो गई और स्थानीय लोगों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पीड़ित अधिवक्ता तनवीर फरीदी ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब के एसटीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।